यस डियर स्टूडेंट्स, आज के इस सेगमेंट में हम सॉल्यूशन का सेकंड पार्ट देखेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट के आधार पे हम सॉल्यूशन को कितने टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा बच्चों 9 टाइप्स, है ना। हम 9 प्रकार से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे, देखिए, पहला जो सेगमेंट होता है बच्चों, उसे हम कहते हैं सॉलिड सॉल्यूशंस। 3 टाइप के सॉलिड सॉल्यूशंस होते हैं, 3 टाइप के लिक्विड सॉल्यूशंस होते हैं और 3 टाइप के गैसियस सॉल्यूशन होते हैं। तो 3 सॉलिड 3 लिक्विड 3 गैसियस, टोटल जो है ये 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन होते हैं ना। पेपर में भी क्वेश्चंस आते हैं और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी इस पर बेस्ड क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, सॉलिड सॉल्यूशंस, इसमें पहला होगा सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड। बहुत ध्यान से देखिएगा, सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड। दूसरा हमारा इसमें होता है बच्चों सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड। तीसरा हमारा होता है बच्चों सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड गैस इन सॉलिड। तो ये जो 3 प्रकार के जो सॉलिड सॉल्यूशंस होते हैं, इनमें होता है पहला सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड, दूसरा होता है सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन सॉलिड, तीसरा होता है सॉल्यूशन ऑफ गैस इन सॉलिड। इसमें बच्चों एक बात का ध्यान रखिएगा, जो हम पहले बोलते हैं वो हमेशा सॉल्यूट होगा और जो हम बाद में बोलते हैं वो हमेशा सॉल्वेंट होगा। क्यों? क्योंकि पहले वाले की चीज की क्वांटिटी कम होगी और दूसरे वाले चीज की क्वांटिटी ज्यादा होगी, तभी हमने इन सॉल्यूशंस को सॉलिड सॉल्यूशंस कहा है। यानी जिनमें सॉल्वेंट जो है वो सारे के सारे सॉलिड होंगे। सॉलिड सॉल्यूशंस कितने टाइप के हो सकते हैं बताइए? सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड कम होगा दूसरा सॉलिड ज्यादा होगा। सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन सॉलिड, ये लिक्विड कम होगा सॉलिड अभी भी ज्यादा होगा। सॉल्यूशन ऑफ गैस इन सॉलिड, गैस कम होगा सॉलिड अभी भी ज्यादा होगा। यानी तीनों कंडीशंस में हमारा जो सॉलिड है वो सॉल्वेंट का काम करेगा जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी। इसको हम एग्जांपल से समझें तो ये चीजें हमें क्लियर होंगी, एग्जांपल्स है ना, बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी हमारे लिए। अगर हम सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड का एग्जांपल समझे तो इसका एग्जांपल हमारे लिए हो सकता है एलॉय, एलॉय है ना, एलॉय समझते हैं ना, मिक्सचर ऑफ मेटल्स। व्हाट इज एलॉय? एलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ मेटल्स। यहां पर हम ब्रास ले सकते हैं, यहां पर हम कैरेट गोल्ड ले सकते हैं, ब्रॉन्ज ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ब्रास, एलॉय में हम ब्रास ले सकते हैं, जिस अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक, 2 मेटल है, सॉल्ट और सॉल्वेंट दोनों मेटल है, इसलिए एलॉय। एलॉय के साथ साथ बच्चों यदि हम बोले 22 कैरेट गोल्ड, तो 22 कैरेट गोल्ड के अंदर अगर हम देखें तो 24 कैरेट गोल्ड बिल्कुल प्योर होता है। 22 कैरेट गोल्ड में क्या होता है, 22 ग्राम आपका होगा गोल्ड और बाकी का जो 2 ग्राम है ये कॉपर भी हो सकता है या सिल्वर भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से जो सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड है इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, एलॉय हो सकता है। दूसरा, सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन सॉलिड, यानी यहां पर हम क्या देखेंगे, लिक्विड की क्वांटिटी कम होगी सॉलिड की क्वांटिटी ज्यादा होगी। लिक्विड हमारा क्या होगा, सॉल्यूट होगा और सॉलिड हमारा क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। यहां पर मैं स्टार बना रहा हूं, इस तरह के एग्जांपल्स बच्चों हमें याद करने पड़ते हैं, अदरवाइज हम कंफ्यूज होते हैं। लिक्विड हमारा सॉल्यूट है, क्वांटिटी कम होगी, सॉलिड हमारा सॉल्वेंट है, क्वांटिटी ज्यादा होगी। इसके एग्जांपल होते हैं बच्चों, पहला एग्जांपल मैं इसका लिखता हूं हाइड्रेटेड सॉल्ट। इसका फर्स्ट एग्जांपल हो जाएगा बच्चों हाइड्रेटेड सॉल्ट, ठीक है। हाइड्रेटेड सॉल्ट में क्या होता है, हाइड्रेटेड सॉल्ट मतलब क्या होता है बच्चों, सॉलिड कंडीशन में भी सॉल्ट के अंदर कुछ नम पानी होता है, उसे हम बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट। जैसे कॉपर सल्फेट, हाइड्रेटेड सॉल्ट का यदि मैं एग्जांपल लूं तो हाइड्रेटेड सॉल्ट के एग्जांपल में मैं ले सकता हूं CSO4.5H2। कॉपर सल्फेट अगर सॉलिड स्टेट में है
तो इसके अंदर पांच वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट। नंबर मैग्नीशियम सल्फेट, अगर मैं मैग्नीशियम सल्फेट लूं तो इसके अंदर सात पानी के मॉलिक्यूल होते हैं, इसे भी हम बोलेंगे हाइड्रेटेड सॉल्ट। चलिए इसका दूसरा एग्जांपल देखें हम लिक्विड एंड सॉलिड का। दूसरे एग्जांपल्स होते हैं बच्चों अमलगम। क्या होते हैं बोलो? अमलगम। अमलगम क्या होता है? मिक्सचर ऑफ एनी मेटल्स विद मरकरी, है ना, मरकरी के साथ जो मिक्सचर होते हैं उसको हम अमलगम कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा जिंक अमलगम, मैंने लिखा जिंक अमलगम। अगर मैंने आपसे पूछा जिंक अमलगम, तो आप बोलोगे तिवारी सर ZN और HG, ये हो जाएगा जिंक अमलगम। क्या होगा बोलो? ZN और HG जिंक अमलगम। अगर मैं बोलूंगा आपसे कॉपर अमलगम, अगर मान लीजिए मैंने आपसे बोला कॉपर अमलगम, भाई कॉपर अमलगम कैसे लिखोगे? कॉपर अमलगम, तो आप बोलोगे Cu-HG। तो अगर कोई आपसे पूछे कि सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड कम होगा सॉलिड ज्यादा होगा, जितने भी हाइड्रेटेड सॉल्ट है चाहे वो कॉपर सल्फेट हो, चाहे वो मैग्नीशियम सल्फेट हो, चाहे वो प्लास्टर ऑफ पेरिस हो, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। अमलगम, अमलगम भी होगा सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड की क्वांटिटी कम होगी, मरकरी की क्वांटिटी कम होगी क्योंकि वो मेटल है, लिक्विड स्टेट में है, बाकी मेटल की क्वांटिटी ज्यादा होगी। तो अमलगम में आप जिंक अमलगम भी कह सकते हैं, कॉपर अमलगम भी कह सकते हैं। अमलगम मतलब मरकरी तो होगा ही होगा, इसके साथ दूसरा मेटल जिंक या कॉपर हो सकता है। तीसरा जो एग्जांपल हो, इसमें तीसरे जो सॉल्यूशन होता है, मैंने आपको बताया था सॉल्यूशन ऑफ गैस इन सॉलिड, सॉल्यूशन ऑफ गैस इन सॉलिड। यहां पे क्या होगा बच्चों? गैस की क्वांटिटी कम होगी और सॉलिड की क्वांटिटी ज्यादा होगी, इसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ गैस इन सॉलिड। इसका एग्जांपल होगा बच्चों डिजॉल्व गैसेस इन मिनरल्स, मिनरल्स में भी गैसें डिजॉल्व होती हैं, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा डिजॉल्व गैसेस इन मिनरल्स। ये आपको याद रखना पड़ेगा डिजॉल्व गैसेस इन मिनरल्स, मिनरल्स के अंदर जो गैसें डिजॉल्व होती हैं वो है सॉल्यूशन ऑफ गैस इन सॉलिड। मिनरल्स बहुत ज्यादा होते हैं, सॉलिड बहुत ज्यादा है, गैसें कम डिजॉल्व होती हैं, तो डिजॉल्व गैसेस इन मिनरल्स। इसका एक और एग्जांपल है बच्चों एडसॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस, एडसॉर्प्शन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एडसॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑन पैलेडियम मेटल, पीडी मतलब पैलेडियम, आप पीडी का फुल फॉर्म ले सकते हैं, पीडी का फुल फॉर्म होगा पैलेडियम मेटल, ठीक है पैलेडियम। तो अगर कोई आपसे पूछे कि सॉल्यूशन ऑफ गैस इन सॉलिड बताइए, तो आप ये बोल सकते हैं डिजॉल्व गैसेस इन मिनरल्स या एडसॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन गैसेस ऑन पैलेडियम मेटल। पैलेडियम एक मेटल होता है, अगर हम हाइड्रोजन गैस को स्प्रे करते हैं तो उसकी फ्री वैलेंसी के कारण हाइड्रोजन गैस उसके चारों तरफ इकट्ठा हो जाती है। तो बच्चों हमने यहाँ देखा सॉलिड सॉल्यूशंस, कितने टाइप के सॉलिड सॉल्यूशंस होते हैं बताइए? तीन टाइप के होंगे, सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड, सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन सॉलिड, सॉल्यूशन ऑफ गैस इन सॉलिड। पहली वाली चीज हमेशा क्या होगी? सॉल्यूट कहलाएगी, इसकी क्वांटिटी कम होगी। दूसरी वाली चीजें हमेशा सॉल्वेंट कहलाएंगी, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी। हमें कैसे पता चलेगा कि ये सॉलिड सॉल्यूशन है? लास्ट में सबके सॉलिड है, सॉलिड इन सॉलिड यानी सॉलिड सॉल्यूशन है, लिक्विड इन सॉलिड यानी सॉलिड सॉल्यूशन है, गैस इन सॉलिड यानी सॉलिड सॉल्यूशन है। एग्जांपल एलॉय हो गया, हाइड्रेटेड सॉल्ट या अमलगम्स हो गए, डिजॉल्व गैसेस हो गई, एडसॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस हो गया, तो दीज आर कॉल्ड एज सॉलिड सॉल्यूशंस। कितने होते हैं सॉलिड सॉल्यूशंस कोई अगर आपसे बोले तो 3 सॉल्यूशंस होते हैं। अगर आपसे बोले कि हाउ मेनी टाइप ऑफ सॉलिड सॉल्यूशंस आर देयर, 3 टाइप ऑफ सॉलिड सॉल्यूशंस, 3 टाइप ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस, 3 टाइप ऑफ गैसेस सॉल्यूशंस, ओवरऑल हाउ मेनी टाइप ऑफ सॉलिड सॉल्यूशंस आर देयर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, 9 टाइप्स। तो बच्चों इसको पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट लिक्विड सॉल्यूशंस, है ना बच्चों? कौन सा सॉल्यूशंस बच्चों? लिक्विड सॉल्यूशंस। ये भी कितने टाइप के होते हैं? इट इज ऑल्सो ऑफ 3 टाइप्स, ठीक है। चलिए तो 9 में से 3 टाइप तो आपके खत्म हो गए आपके सॉलिड सॉल्यूशंस। अगले हम आपको बताने जा रहे हैं लिक्विड सॉल्यूशंस नंबर बी, ये भी 3 टाइप के होते हैं, लिक्विड सॉल्यूशंस, ठीक है बच्चों। ये पहला होता है बच्चों, मतलब 3 तो खत्म हो गए, अब ये फोर्थ ले रहा हूं चौथा सॉल्यूशन ऑफ, चलिए इनमें भी 3 ही ले लें। नंबर 1 सॉल्यूशंस, सॉल्यूशन ऑफ, ठीक है, सॉलिड इन लिक्विड,
सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, एक तो ये हो गया भाई, दूसरा हमने लिख दिया, तीन हो गए थे, इसके भी तीन है, सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड इन लिक्विड, तीसरा होगा सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड, सॉल्यूशन ऑफ बोलो गैस इन, सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड। तो बच्चों ये भी तीन टाइप के हो गए। मैंने क्या बताया था, जो हम पहले बोलते हैं वो हमेशा क्या होता है बोलो सॉल्यूट, बिल्कुल सर यही बताया था, जो हम बाद में बोलते हैं वो क्या होता है बताइए, वो होता है सॉलिड। क्लियर? तो पहला है सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड कम है लिक्विड ज्यादा है, लिक्विड कम है लिक्विड ज्यादा है, गैस कम है लिक्विड ज्यादा है, तो पहली चीज जो है वो सॉल्यूट हो जाएगी और दूसरी जो चीज होगी वो सॉल्वेंट हो जाएगी। तो सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है। चलिए देखते हैं, जो हम डिसॉल्व कर रहे हैं वो कम होता है और जिसमें डिसॉल्व करते हैं वो ज्यादा होता है, ठीक है। यदि हम सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड की बात करेंगे तो यहां पर सॉलिड की क्वांटिटी कम होगी और लिक्विड की क्वांटिटी ज्यादा होगी, ठीक है। जितने भी नॉर्मल सॉल्यूशंस होते हैं जो हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं वो होता है सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, है ना। जैसे शक्कर को पानी में डिसॉल्व कर लेंगे, शक्कर की क्वांटिटी कम होती है, पानी की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सॉल्ट है, नमक है, नमक को पानी में डिसॉल्व कर लेंगे, नमक की क्वांटिटी कम होगी, नमक आपका सॉलिड होगा, पानी की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, पानी आपका लिक्विड होगा, तो सॉल्ट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट कम होगा सॉलिड हो गया, पानी ज़्यादा होगा लिक्विड हो गया। तो पहला मतलब सॉल्यूट यानि कम, दूसरा सॉल्वेंट यानि ज़्यादा। तो अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें बच्चों, तो पहला एग्जांपल हम ये ले सकते हैं सुगर सॉल्यूशन, सुगर एंड वाटर सॉल्यूशन मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ SLN, है ना। या दूसरा एग्जांपल सॉल्ट एंड वाटर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को शॉर्ट में मैं SLN लिख रहा हूँ। तीसरा कॉपर सल्फेट एंड वाटर सॉल्यूशन, इसको हम ग्लूकोस एंड वाटर सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। चलिए सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, जिन दो चीज़ों को मिला रहे हैं एक लिक्विड कम होगा दूसरा लिक्विड ज़्यादा होगा, लेकिन दोनों जो सॉल्यूशन होंगे वो लिक्विड सॉल्यूशन कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि एक लिक्विड की क्वांटिटी ज़्यादा होगी। चलिए इसका एग्जाम्पल देखें, हमने लिखा नंबर वन सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल एंड वाटर, इथेनॉल मतलब इथाइल एल्कोहल एंड वाटर। तो अगर आपसे कोई बोले कि भाई इथेनॉल और वाटर का जो सॉल्यूशन है ये कौन सा सॉल्यूशन होगा, हम कहेंगे लिक्विड इन लिक्विड, एक लिक्विड इथेनॉल कम होगा और दूसरा लिक्विड वाटर जो है वो ज़्यादा होगा। हम ये भी कह सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ लेमन जूस एंड वाटर। लेमन जूस मतलब क्या हो गया, सिट्रिक एसिड हो गया, लेमन जूस मतलब कौन सा एसिड, सिट्रिक एसिड एंड वाटर। तो यहाँ पर भी जो दोनों हैं वो दोनों के दोनों क्या है, लिक्विड है। तो ये हो गया सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड ही सॉल्यूट है और लिक्विड ही सॉल्वेंट है, एक कम होगा दूसरा ज़्यादा होगा। सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड, जब हम गैस इन लिक्विड की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ऑक्सीजन इन वाटर, जब हम गैस की लिक्विड में बात करते हैं तो हम ऑक्सीजन इन वाटर कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं भाई, ऑक्सीजन इन वाटर। भाई पानी है, पानी में थोड़ी बहुत क्वांटिटी में तो ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है ना, देन ओनली एक्वेटिक एनिमल विल बी सर्वाइव, जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं वो तभी जिंदा होंगे, इन्हें ऑक्सीजन कम है पानी ज़्यादा है। तो सॉल्यूशन ऑफ गैस इन वाटर, गैस कम है पानी ज़्यादा है। इसका बच्चों हम एग्जाम्पल ले सकते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स, है ना, सॉफ्ट ड्रिंक्स कह सकते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स को बच्चों हम कार्बोनेटेड वाटर भी कहते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स, और आप सॉफ्ट ड्रिंक्स कह दें तो भी सही है, या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स भी बोल सकते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स भी बोलते हैं, है ना। सुना होगा पेप्सी कोका कोला जितने भी होते हैं
इनमें क्या होता है, CO2 गैस डिजोल्व इन लिक्विड, CO2 गैस डिजोल्व इन लिक्विड, पानी के अंदर जो है वो CO2 गैस डिजोल्व होती है, चाहे वो पानी हो या कोई भी लिक्विड हो जिसमें CO2 गैस डिजोल्व होगी उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स। ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक्स कह दें या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स कह दें या एरेटेड ड्रिंक्स कह दें। तो इस तरह से हमने ये देखा कि जो लिक्विड सॉल्यूशंस होते हैं ये भी कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से 3 होते हैं बच्चों, सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड। पहली चीज सॉल्यूट होती है जिसकी क्वांटिटी कम होती है, दूसरी चीज सॉल्वेंट होती है जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है। ये भी 3 टाइप के होते हैं, ये 2 टाइप के ही है, कई सो मेनी एग्जांपल्स में भी दिया। ठीक है, शुगर इन वाटर, मान लीजिए किसी ने आपसे पूछा शुगर इन वाटर, भाई शक्कर कम है, पानी ज्यादा है, कम जो है वो सॉलिड है, ज्यादा जो है वो लिक्विड है, सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। किसी ने बोला तिवारी सर सॉल्यूशन ऑफ इथाइल अल्कोहल इन वाटर, भाई कम क्या है, इथाइल अल्कोहल कम है, पानी ज्यादा है, दोनों ही लिक्विड है, सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। तो बच्चों दिस इज सेकेंड टाइप ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज लिक्विड सॉल्यूशंस। तो 3 और 3 6 हो गए। नाउ वी विल सी लास्ट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस, दैट इज गैसियस सॉल्यूशंस। अब हम बच्चों आखिरी टाइप का सॉल्यूशंस देखेंगे, जो कौन सा सॉल्यूशन कहलाएगा बताइए, गैसियस सॉल्यूशन सी, ये सॉल्यूशन कहलाता है बच्चों गैसियस सॉल्यूशंस। ये भी कितने टाइप के होंगे बच्चों, हमारे गैसियस सॉल्यूशंस भी 3 टाइप्स के होंगे। कौन कौन से 3 होंगे बताइए, पहला होगा सॉल्यूशन ऑफ, बताइए सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन गैस, बिल्कुल सही तिवारी सर, क्योंकि जो सॉल्यूशन बनेगा वो लास्ट में आएगा, गैसियस सॉल्यूशन होगा लास्ट में गैसेस आएंगी, लिक्विड सॉल्यूशन होगा लास्ट में लिक्विड आएंगी, सॉलिड सॉल्यूशंस होगा लास्ट में सॉलिड आएंगे। तो सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन गैस बिल्कुल सही, दूसरा हो जाएगा सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन गैस, सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन गैस, तीसरा हो जाएगा सॉल्यूशन ऑफ गैस इन गैस, तीसरा हो जाएगा सॉल्यूशन ऑफ गैस इन गैस। बताओ भाई जो हम पहले बोलते हैं वो क्या कहलाता है तिवारी सर, जो हम पहले बोलते हैं वो कहलाता है सॉल्यूट, और जो हम बाद में बोलते हैं वो हमारा कहलाता है सॉल्वेंट। क्लियर, सॉल्यूट की क्वांटिटी कम होती है, सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज्यादा होती है। पहला है सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन गैस, सॉलिड का सॉल्यूशन गैस में। ठीक है, आयोडीन वेपर्स इन एयर, कई सारे इसके एग्जांपल है, नंबर 1 आयोडीन वेपर्स इन एयर, आयोडीन वेपर्स इन एयर। भाई देखिए सॉलिड इन गैस, आयोडीन तो सॉलिड है ना, जब गर्म करेंगे तो इसकी वेपर बनेगी, और उसकी वेपर कहां जाएंगी, एयर में, एयर की क्वांटिटी ज्यादा है गैस की क्वांटिटी ज्यादा है, सॉलिड की क्वांटिटी कम है तो सॉलिड इन एयर। दूसरा क्यों भाई, हम स्मोक ले सकते हैं, स्मोक धुआं बिल्कुल ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि जो कार्बन पार्टिकल्स हैं, जो कार्बन पार्टिकल्स हैं वो एयर में होंगे, कार्बन पार्टिकल्स तो आपके सॉलिड है ना, सॉलिड है कि नहीं है, लेकिन कम है और गैस की क्वांटिटी ज्यादा है। नंबर 3 क्या ले सकते हैं, कैम्फर इन एयर, हम ये भी ले सकते हैं कि जो कैम्फर है इन नाइट्रोजन गैस, कैम्फर मतलब कपूर, कैम्फर इन एयर और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस में भी कपूर को एवेपोरेट कर सकते हैं, एयर में भी कर सकते हैं, यानी जितने भी सब्सटेंस जो सब्लिमेट होंगे वो इस प्रॉपर्टी को शो करेंगे, चाहे वो कैम्फर हो, कैम्फर का ये ध्यान रखिएगा कॉम्पिटिटिव पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कैम्फर भी आपका सॉलिड इन गैस बनाएगा, अमोनियम क्लोराइड भी आपका सॉलिड इन गैस बनाएगा, आयोडीन भी आपका सॉलिड इन गैस बनाएगा, नेफ्थलीन भी आपका सॉलिड इन गैस बनाएगा। नेफ्थलीन बहुत जानते हैं बच्चों, वो कपड़े वाली गोलियां जो हम पेटी में रखते हैं, सॉलिड होते हैं लेकिन इवेपोरेट होकर गैस में सॉल्यूशन बना देते हैं। तो कई सारे हम इसके सॉल्यूशंस ले सकते हैं। नंबर 4 नेफ्थलीन इन एयर, नेफ्थलीन बॉल्स समझते हो, कपड़ों की गोलियां इन एयर। तो कितने सारे सॉल्यूशन हो गए बच्चों सॉलिड इन गैस के, आयोडीन वेपर इन एयर, स्मोक कार्बन पार्टिकल एयर में रहते हैं, कार्बन पार्टिकल कम है तो वो सॉल्यूट हो गया सॉलिड हो गया गैस हो गया, कैम्फर इन एयर और नाइट्रोजन, या जितने भी सब्लिमेट है नेफ्थलीन बॉल्स इन एयर चाहिए।
सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन गैस, लिक्विड की क्वांटिटी कम होगी, गैस की क्वांटिटी ज्यादा होगी। हम इसके एग्जांपल ले सकते हैं मिस्ट, मिस्ट मतलब कोहरा, फॉग, धुंध। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि मॉइस्चर इन एयर, मॉइस्चर इन एयर, भाई कोहरा क्या होता है, धुंध क्या होता है, इसमें जो हवा है, हवा में नमी आ जाती है, वाटर आ जाता है, लिक्विड की क्वांटिटी कम है लेकिन गैस की क्वांटिटी, एयर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, मिस्ट हो सकता है या फॉग हो सकता है। क्यों बच्चों, हम ये भी बोल सकते हैं ह्यूमिडिटी इन एयर, बिल्कुल कह सकते हैं भाई, अगर एयर है, एयर में ह्यूमिडिटी है तो भी तो ये एग्जांपल हो गया किसका, लिक्विड इन गैस का। भाई ठंड के दिनों में क्या होता है, ह्यूमिडिटी होती है, मतलब एयर के अंदर बहुत सारे मॉइस्चर, मतलब काफी ज्यादा एयर है उसके अंदर मॉइस्चर है लेकिन कम है, तो लिक्विड है कि नहीं है, लिक्विड कम है, एयर ज्यादा है, तो ह्यूमिडिटी इन एयर भी बोल सकते हैं। सॉल्यूशन ऑफ गैस इन गैस, इसका एग्जांपल हम एयर ले सकते हैं, बहुत सारी गैस है, ऑक्सीजन है, CO2 है, नाइट्रोजन है, तो एयर जो कम होगा वो सॉल्यूट होगा, जो ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट होगा। मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिखा, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड O2 एंड CO2, ये भी क्या होगा, इट विल ऑल्सो बी एग्जाम्पल ऑफ सोल्यूशन ऑफ गैस इन गैस। ऑक्सीजन भी गैस है, CO2 भी गैस है, लेकिन ऑक्सीजन क्या कहलाएगी, सॉल्यूट, क्योंकि ये कम है, देखिए सॉल्यूट है, कम है, और दूसरी वाली जो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड है ना, नहीं हम CO2 एंड O2 लिख सकते हैं क्योंकि पहले कम वाली लिख लो ज्यादा अच्छा होगा, और फिर ऑक्सीजन, CO2 कम है, गैस है, सॉल्यूट है, ऑक्सीजन ज्यादा है 21% है, सॉल्वेंट है, इसकी क्वांटिटी कितनी होती है 0.03%, ऑक्सीजन की क्वांटिटी कितनी है 21%। तो इस तरह से हमने देखा कि जो गैसियस सॉल्यूशंस होते हैं ये भी तीन टाइप के होते हैं, पहला सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन गैस, दूसरा सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन गैस, तीसरा सॉल्यूशन ऑफ गैस इन गैस। पहले वाली चीजें हम सॉल्यूट बोलते हैं, दूसरी वाली चीजें हम सॉल्वेंट कहते हैं। तो बच्चों बहुत क्लियर कट वे में मैंने आपको ये बताया कि हाउ मेनी टाइप ऑफ सॉल्यूशंस आर देयर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स। इसमें बच्चों मैंने आपको पढ़ाया तीन टाइप के सॉल्यूशंस मैंने आपको बताए थे, सॉलिड सॉल्यूशंस, सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड एंड गैसेस इन सॉलिड। फिर तीन टाइप के बताया, सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस, सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड एंड सॉल्यूशन ऑफ गैसेस इन लिक्विड अलॉन्ग विद एग्जांपल्स। उसके बाद मैंने बताया आपको गैसियस सॉल्यूशन, ये भी बच्चों मैंने आपको तीन टाइप का बताया, सॉल्यूशन ऑफ गैस इन गैस, सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन गैस एंड सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन गैस। सो ओवरऑल हाउ मेनी टाइप ऑफ सॉल्यूशंस आर देयर, 9 टाइप्स। एक बात याद रखिएगा, चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। किसी ने बोला सर मैंने कपूर रखा था, कैम्फर रखा था, और कैम्फर जो है उड़ गया, कौन सा सॉल्यूशन बना? तो हम ये कहेंगे उड़ गया मतलब गायब हो गया उस जगह से, हम कहेंगे सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन गैस। क्यों? कपूर कम था, गैस तो बहुत ज्यादा थी, एवोपरेट हो गया, तो सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन गैस। एक और एग्जांपल, सर ह्यूमिडिटी है, सर नमी है एयर में, बिल्कुल सही, एयर बहुत ज्यादा है, नमी कम है, लिक्विड कम है, गैसेस बहुत ज्यादा है, सॉल्यूशन ऑफ गैस एंड लिक्विड। पहचानना सीखिए। सर हमने शकर को पानी में घोल दिया, सॉल्यूशन बन गया, कौन सा सॉल्यूशन है? शकर कम है, शकर सॉलिड है, पानी ज्यादा है, पानी लिक्विड है, सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो बच्चों इस तरह से आप प्रैक्टिस करिएगा क्वांटिटी एग्जामिनेशन में भी, और CBSE बोर्ड या जो भी एग्जाम लें उनमें भी ये पूछा आता है, एक नंबर का assertion reason, MCQs, कुछ भी आपसे पूछ रहता है, कोई एक एग्जाम्पल दे दे, मिस्ट दे दिया, विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन इट इज, सो वी कैन से इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन गैस। इज इट क्लियर बच्चों? तो पढ़ते रहिएगा, अगला सेगमेंट देखना ना भूलिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। ओके स्टूडेंट्स, गुड डे टू ऑल ऑफ यू बच्चों।